हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गरगा एकेडमी। आज हम बात करेंगे कि किसी की भी यूपीएससी की या स्टेट पीएससी की जर्नी में कोचिंग का कितना प्रभाव है, कोचिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है ना। कोचिंग का जो इम्पॉर्टेंस है, ये इम्पॉर्टेंस हम बात करेंगे फॉर स्पेशली यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी के लिए। और इस चीज़ को हम देखेंगे कि क्या बिना कोचिंग के एग्ज़ाम को क्लियर करा जा सकता है, या कोचिंग की आवश्यकता सबको है। बिकॉज सबके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो अपने शहर से कहीं दूर ट्रैवल कर सकें, या ऑनलाइन भी बहुत से लोगों के लिए अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से वो ऑनलाइन भी आ सकते हैं। वो सिर्फ स्टडी करके ही जो है वो किसी भी एग्ज़ाम की या यूपीएससी या स्टेट पीएससी की एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो उनको कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पे उनको ध्यान देना है, और ये देखना है कि उस चीज़ पर ध्यान दें, वर्क करें, सो दैट कि एग्ज़ामिनेशन जो है उसको वो क्लियर कर सकें। हर साल आपको कोई ना कोई ऐसा ज़रूर मिलेगा टॉप 100 में, जनरली अगर हम यूपीएससी की बात करें, जिसने या तो कोचिंग नहीं करी, और अगर करी तो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए करी। इसका अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं अगर जो कोचिंग है उसके बगैर भी जो अपना प्रयास है या अटेम्प्ट है वो आप दे सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं उसका आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहला है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, उसके बाद स्ट्रैटेजी। अब अगर इन दोनों की बात करें तो डिसिप्लिन का क्या मतलब है? डिसिप्लिन का ये मतलब है कि आपका जो लक्ष्य है, जो आपने निर्धारित किया है, चाहे वो आपका घंटा क्यों ना हो, कि कितने घंटे नंबर ऑफ आवर्स आपको पढ़ने हैं। अब ये जो है, इस सब की कोई कहता है कि टॉपर, एक टॉपर बता दे कि जितने लोग का सिलेक्शन हुआ है सारे के सारे एक ही घंटे ऐसे सेलेक्ट कर लें कि सब के सब 10 घंटा पढ़ते थे या 20 घंटा पढ़ते थे। ऐसा नहीं है। कोई 4 घंटा पढ़ के भी बहुत अच्छा सीख सकता है, कवरेज कर सकता है, और कोई 10 घंटा पढ़ के भी अच्छा कवरेज ना करे। उसका ध्यान हो सकता है कि वो हिस्ट्री पढ़ रहा है लेकिन हिस्ट्री में नहीं, ज्योग्राफी में है, और जब ज्योग्राफी पढ़ रहा है तो फिर शाहरुख खान की किसी मूवी को देख रहा है या सोच रहा है उसके बारे में। तो कहीं ना कहीं जो आपका डिसिप्लिन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो आपको, चाहे आप कोचिंग करें या ना करें, देखिए कोचिंग करने से आपको आपकी तैयारी में हेल्प मिलती है, और जो एज एक होता है या एक जो स्ट्रैटेजी प्लानिंग होती है उसमें डेफिनेटली कोचिंग आपको हेल्प करती है। लेकिन अगर आपके रिसोर्सेज ऐसे हैं कि आप कोचिंग नहीं कर सकते हैं किसी भी वजह से, या आप ऐसी जगह हैं जहां अच्छी कोचिंग नहीं है, तो आप, ऐसा नहीं है कि कोचिंग ही एक रास्ता है जो आपको एग्ज़ाम क्लियर कराए, लेकिन आपकी तैयारी में वो मदद करता है। अब अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो उस जो गैपिंग जो आपको मिल रही है नहीं कोचिंग करने की, उसको आप कैसे कवर कर सकते हैं? उसको कवर करने का जो हम बात कर रहे थे डिसिप्लिन का, कि अगर हमने सोचा कि एक सामान्य रखिए, बहुत बड़ा वो ना रखिए, तो मान लीजिए कि 6 से 8 घंटा हमको डेली पढ़ना है, तो 6 से 8 घंटा अगर पढ़ना है तो 6 से 8 घंटा आपको डेली सेल्फ स्टडी में देना है, तो उसमें, और इस आर को आप अपने डिवाइड कर सकते हैं, आप इस अपने आर को आप सिलेबस में डिवाइड कर सकते हैं कि अगर हिस्ट्री है तो हमको कितने घंटे देने हैं, अगर पॉलिटी है तो कितने घंटे देने हैं, अगर ज्योग्राफी है तो कितने घंटे देने हैं, इकोनॉमिक्स है तो कितने घंटे देने हैं, एनवायरमेंट है तो कितने घंटे देने हैं। अब इस घंटों को आप एनसीईआरटी, स्टैटिक बुक, करंट अफेयर्स के अपडेशन प्लस 10-15% का एक्स्ट्रा टाइम देते हुए आप चीज़ों को डिवाइड करिए। एक्स्ट्रा इसलिए, कभी कोई घर में मान लीजिए गेस्ट आ गया, कभी अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसकी कोई रिक्वायरमेंट आ गई, या कभी कोई ऐसा पर्सनल कोई ऐसा इवेंट है जिसमें आपको जाना बहुत ज़रूरी है, तो 10-15% का जो लेवरेज होता है वो आपको डीमोटिवेट नहीं करेगा जब आप इस चीज़ को अचीव नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि महीने में आप 10 दिन ऐसा कर सकें, महीने में 1 से 2 दिन आप कर सकते हैं,
महीने में 1 से 2 दिन आप कर सकते हैं कि 6 से 8 घंटे की जगह आप 2 से 3 घंटा पढ़े, लेकिन वो सिर्फ 2 से 3 दिन ही चल सकता है। आपको सबसे पहले डिसिप्लिन करने के बाद जो अपना आर, जो अपने स्टडीज़ को ब्रेक करना है छोटे छोटे यूनिट्स में, चाहे वो क्लास 6 की एनसीईआरटी से लेकर क्लास 12 तक की एनसीईआरटी हो, प्लस जो आपकी स्टैटिक बुक हो, चाहे वो हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम हो, पॉलिटी की लक्ष्मीकांत हो, एनवायरमेंट की बुक हो, या किसी की भी कोई भी सब्जेक्ट की, मैं तो आपको बस एग्जाम्पल ही दे रहा था, आप कोई भी बुक रेफ़र कर सकते हैं। उन बुक्स को रेफ़र करने का एक एस्टिमेशन टाइम एक आपको एक अपना लेना होगा उसके सिलेबस को देखने के बाद। बहुत सी बुक में लिखा भी होता है कि इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, इस बुक को कंप्लीट करने के लिए कितने आर, लेकिन ये सबका डिफर करेगा। हो सकता है उसमें लिखा हो 4 घंटा, करने वाले 2 घंटे में कर लें, हो सकता है लिखा 4 घंटा, करने वाले 8 घंटे में ना कर पाएं। आपको इस चीज़ को खुद को, क्योंकि कोचिंग कोई मेंटोर नहीं है, अगर कोई मेंटोर है तो उससे जज करा लीजिए, और नहीं है तो आपको खुद जज करना पड़ेगा। और जज करके ये जो आर है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपकी स्ट्रैटेजी प्लानिंग में। अब स्ट्रैटेजी प्लानिंग में आप क्या करेंगे, स्ट्रैटेजी प्लानिंग में सबसे ज़रूरी है, देखिए दिन के 24 घंटे जो आपका टॉपर है या जो एस्पिरेंट है सबको 24 आवर्स ही मिलते हैं। अब इस 24 घंटे में डिपेंड करता है कि कौन इसको कैसे यूटिलाइज करता है। अब जिसका यूटिलाइजेशन अच्छा होगा उसके चांसेस, श्योर शॉट तो कुछ नहीं होता है, उसके चांसेस इंक्रीज करेंगे एग्जाम को क्लियर करने के लिए, है ना। अब अपने को देखना है कि इस चांस को हमको कितना इंक्रीज करना है। उसके लिए आपको जो स्ट्रैटेजी है, जो सबसे पहले अपना आर है, कौन से सब्जेक्ट को किस तरीके से आपको, कौन सा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत पसंद है, जिसको आप पढ़ने में रुचि रखते हैं, जिसको आप एज अ ऑप्शनल में भी जो है उस सब्जेक्ट का अगर कोई पार्ट है ऐसा कि जो कि उसका ऑप्शनल भी है, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस अगर लोग पढ़ते हैं तो पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस का एक ऑप्शन भी आता है। इसी तरीके से कहीं ना कहीं जैसे हिस्ट्री हम पढ़ते हैं उसका हिस्ट्री का ऑप्शन भी आता है, ज्योग्राफी हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी का ऑप्शनल भी आता है। तो अगर आपको इसमें से कोई चीज़ की रुचि है आप पढ़ सकते हैं, डेली आप 1.5 से 2 घंटा ऑप्शनल को दे सकते हैं, तो डेफिनेटली वो ऑप्शनल आप ऑप्ट कर सकते हैं। इस चीज़ में ये भी क्लियर होता है कि ऑप्शनल को ऑप्ट करने से पहले किस चीज़ का ध्यान दें, सिर्फ एक चीज़ का ध्यान दें, आपको पढ़ने में उसमें एक मज़ा आना चाहिए, एक रुचि होनी चाहिए, एक इंटरेस्ट होना चाहिए। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए दोनों ऑप्शन का पेपर मिला के 250-250 नंबर मिला के 500 नंबर बनते हैं। अब 500 नंबर अगर आपके मेंस में उस ऑप्शनल का है, बहुत बड़ा मार्क्स है, बहुत बड़ा मार्क्स है, जहाँ पे 10 मार्क्स पे लगभग 100 रैंक बदल जाती है, वहाँ पे 500 नंबर अगर ऑप्शनल का है तो बहुत बड़ा पार्ट है। उस पार्ट को बहुत स्ट्रांगली यूज़ करना है। और जब आप स्ट्रैटेजी की प्लानिंग करें तो उस स्ट्रैटेजी की प्लानिंग में आपका जो स्ट्रैटेजी होगी आपकी, स्ट्रैटेजी जो हो आपकी, इस स्ट्रैटेजी में आप प्री प्लस मेंस दोनों को लेके चलेंगे, क्योंकि प्री के बाद लगभग अमूमन ऑन एन एवरेज 90 से 100 दिन का फासला होता है मेंस के लिए। तो दैट इज नॉट पॉसिबल कि आप मेंस तब तैयार करें, आपको प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी करनी होगी। और प्री के साथ साथ जो मेंस की तैयारी करेगा वो डेफिनेटली प्री क्लियर होने के बाद मेंस के लिए एक बहुत अच्छा एज मिलेगा। तो प्री का मेंस की स्ट्रैटेजी आपको लेके चलना है, आपको सब्जेक्ट को डिवाइड करना है, सब्जेक्ट डिवीजन करना है कि किस सब्जेक्ट को हमको कब पढ़ना है, किस महीने में कौन सी चीज़ वो करना है, प्लस रिवीजन स्ट्रैटेजी। सब कुछ कर लीजिए लेकिन अगर रिवीजन स्ट्रैटेजी आपकी स्ट्रांग नहीं है तो वो बहुत बड़ा कहीं ना कहीं ड्रॉबैक है। क्योंकि आप कोई भी चीज़ पढ़ लीजिए, या तो आप कंप्यूटर हो तो बात अलग है, अगर कंप्यूटर नहीं है तो पढ़ने के बाद एक आम तौर से जनरली कम से कम UPSC जैसे एग्ज़ाम के लिए, State PSC जैसे एग्ज़ाम के लिए मेरा ऐसा रिकमेंडेशन है कि 6 से 10 बार तक, करने वाले 2 बार में भी कर लेते हैं लेकिन ऐसा रिकमेंडेड है इन जनरल कि अगर कर सकते हैं 6 से 10 बार तक एटलीस्ट जो मेन जो पोर्शंस हैं उसको वो ज़रूर कर लें। ज़्यादा कर लें, जितना ज़्यादा कर लें वो आपके लिए अच्छा है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, लेकिन अपनी जो स्ट्रैटेजी है उस पर आपको स्टिक रहना पड़ेगा।
ऐसा नहीं है 4 दिन फॉलो किया उसको छोड़ दिया, उस पर आपको चिपके रहना पड़ेगा, क्योंकि कोचिंग जो आपकी बैकबोन होती है इस प्रिपरेशन का, भले कोचिंग का सिर्फ 20% का रोल हो, कोचिंग का अगर मैं अपने हिसाब से बात करूं, किसी के लिए ज़्यादा भी हो सकता है किसी के लिए कम, लेकिन अगर हम बात करें कि वो 20% का रोल है, लेकिन ये 20% का जो रोल है वो एक एस्पिरेंट के लिए एक बैकबोन का काम करता है। अब वो जो बैकबोन होती है, जैसे हम लोग को सबको पता है जो मानव शरीर में बैकबोन होती है वो किस तरीके से हमको हेल्प करती है खड़े होने में, उठने में, बैठने में, हर चीज़ में, उसी तरीके से हमारे सारी प्लानिंग में हमारी कोचिंग डिपेंड करता है, कैसी कोचिंग है, प्लानिंग में हेल्प करती है हमारी कोचिंग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोचिंग नहीं तो सिलेक्शन नहीं, ऐसा एकदम भी नहीं है, वो कम्प्लीटली आपके ऊपर। लेकिन प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले, जो आपका प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर रहे हैं, उस प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले आप प्रॉपर प्लानिंग कर लें। आप जब दिन का सवेरा हो तब आप ना सोचें कि आज क्या पढ़ना है, कितने पेजेस कंप्लीट करने हैं, इस सिलेबस को या इस सब्जेक्ट को कितने दिन और पढ़ना है, ये कन्फ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। आपकी जर्नी का अगर फॉर एग्जांपल आप 18 महीने दे रहे हैं, आप 12 महीने दे रहे हैं, तो पूरा स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए कि किस किस महीने में आप कब कब क्या पढ़ेंगे, किस किस समय क्या क्या चीज़ आप रिवाइज करेंगे। इसके लिए एक बेहतरीन तरीका है जो कि आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपको ठीक लगे तो, वो तरीका है एक डायरी ले लें करंट ईयर की, जिस दिन आप पढ़ें, फॉर एग्जांपल अगर आप आज पढ़ रहे हैं और आज 5 तारीख है, 5th of April है अगर आज, तो उस डायरी में आप 5/4/2022 लिखेंगे, जहाँ पे लिखा है वहाँ डेट डालिए, और डेट डाल के आज जो जो पढ़े हैं वो टॉपिक लिख दें, ठीक है। अब उसके बाद 5+15 कर दें, ठीक है, अब 15+ फिर 30, अब फिर 45। इसका मतलब है कि आज जो 5 तारीख को हमने पढ़ा, फिर उसको हम 15 दिन बाद रिवाइज करेंगे, फिर जो 15 दिन बाद हम जो पढ़ेंगे, पहले ही आज ही हम 5वें दिन, फिर हम 20 तारीख को, फिर उसके बाद अगले महीने को जो है 30 दिन के बाद, फिर उसके बाद 45 दिन के बाद। इसका मतलब एक कॉन्सेप्ट 1, 2, 3, 4 बार तो हमारा मिनिमम रिवाइज हो जाएगा। लेकिन ये करने से आदमी जनरली एस्पिरेंट को क्या लगता है, यार टाइम बहुत लग रहा है। भाई टाइम को ही तो मैनेज करना है, अगर हम डेली कुछ ना करें, डेली सिर्फ और सिर्फ हम 45 मिनट्स रिवीजन के लिए दे दें, डेली हम अपने स्ट्रैटेजी में अगर इंक्लूड कर लें कि ये 45 मिनट सोने से पहले जब हम थक गए हों, जब हम कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो गए हों नई चीज़ पढ़ने के लिए, तब हम क्या करेंगे, हम पुरानी चीज़ को तब रिवाइज करेंगे। जब हमको लगता है कि अब हमको लेटना है, तब हम पुरानी चीज़ को रिवाइज करेंगे, तब इसलिए करेंगे क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है उसको रिवाइज करने के लिए, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी हमारी पढ़ी हुई होंगी, तब रिवाइज करिए। सेव टाइम, सेव टाइम, एक्ट स्मार्ट, सेव टाइम। जब टाइम की प्लानिंग कर लेंगे, स्ट्रैटेजी की प्लानिंग कर लेंगे, टाइम बचेगा डेफिनेटली, क्योंकि सवेरे उठ के ये नहीं देखना है कपड़ों की तरह से कि आज कौन से कपड़े पहने, तो हम पहले ही पता रहेगा कि आज हमको क्या करना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। फिर उसके बाद एक्ट स्मार्ट, जब आप रिविजन स्ट्रैटेजी रखेंगे, जैसे हमने बताया एक आपकी करेंट डेट हो गई CD, करेंट डेट, फिर उसके बाद करेंट डेट में प्लस करेंगे 15 दिन, फिर 15 दिन के बाद उसको प्लस करेंगे 30 दिन, फिर 30 दिन के बाद आप प्लस करेंगे 45 दिन। इससे करके आप ओवरऑल 4 रिविजन जो है, आप रिविजन जो है वो कर सकेंगे, और रिविजन करके आप अपनी जो भी चीज़ें हैं उसको और सॉलिड करेंगे। तो एक्ट स्मार्ट, हार्डवर्क सब करते हैं, मैक्सिमम लोग जो हैं लगभग 70% जो सीरियस एस्पिरेंट हैं, जो अपने टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज करते हैं, उनके जो रिसोर्सेज होते हैं सीरियस एस्पिरेंट के, सीरियस एस्पिरेंट वो मतलब जो अपनी पढ़ाई के प्रति सीरियस है, जो अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहा है प्रॉपर, वो एक तरीके से एक एस्पिरेंट है जो कि अपने इस एग्ज़ाम को, अपने टाइम को वैल्यू करता है,
वो आम तौर से जो लोग क्लियर कर रहे हैं या जो लोग नहीं क्लियर कर पा रहे हैं उस टाइप के एस्पिरेंट 70% जो रिसोर्सेज होते हैं वो सेम होते हैं। सबको पता है कि ये रिसोर्स हमको यूज़ करना, इस रिसोर्स को यूज़ करना, उसके बाद भी किसी का सिलेक्शन होता है किसी का नहीं होता है। लेकिन अपनी प्रोबेबिलिटी जितनी हम बढ़ा सकें, अपने चांसेस हम जितने बढ़ा सकें उसको हमको यूज़ करते हुए वी नीड टू एक्ट स्मार्ट। रिविज़न एक ऐसी स्ट्रैटेजी है, पढ़ सब कुछ लिया, रिवाइज कुछ नहीं किया, एग्ज़ाम से एक दिन पहले परेशान है कि कुछ याद ही नहीं है। अब हमने 4 महीने पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था और अभी तक 4 महीने और अभी तक के फासले में हजारों कॉन्सेप्ट आ गए मेरे दिमाग में, तो कैसे संभव है कि 4 महीने बाद वो एकदम स्टैटिकली वैसे ही जो आपके ब्रेन में रहेगा। हो सकता है किसी के रहे, लेकिन जनरली विदाउट, अगर हम एक जनरलाइज बात करें तो नहीं होता ऐसा। उसी के लिए रिविज़न ज़रूरी है, पढ़ना जितना ज़रूरी है। ये जो 45 मिनट का जो मैंने बताया था रात में थकने के बाद, उसको आप रिवाइज़ करके देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। टाइम यूटिलाइज करेंगे बढ़िया से और कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे जैसे आपकी जर्नी बढ़ेगी उसी तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना, हर चीज़ देखिए इंटरलिंक्ड है, वो सब आपके ऊपर है। आपको ये सोचना है कि मैं कोचिंग नहीं कर पाया और उसके लिए परेशान रहना है, या जो आप कर सकते हैं उसको करना है। तो मैं आपको कहूँगा जो आप कर सकते हैं वो करिए, जो अपने हाथ में नहीं है उसको छोड़ दीजिए। और इसी उस पर मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा एंड में इस वीडियो के, कि अगर कोई भी क्वेश्चन है इस स्ट्रैटेजी से रिलेटेड में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, डेफिनेटली उसका आंसर मैं दे दूंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।